एरिया 26x52 का इसका, और पफ पैनल का फार्म बना रखे, इसमें कूलिंग मेंटेन बढ़िया तरीका दे रहा है जो। अच्छा, हाँ जी एक बार पफ जो पैनल होते हैं दोस्तों वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कौन से आप पफ पैनल जो होते हैं चौड़ाई है इसकी, 60 mm की, हाँ और छत पे भी वही छत है? पे भी सेम मटेरियल है ठीक है सारा। जी, बांस वगैरह ये बता दीजिए एक बार। ये फार्म के अंदर 42 फुट की जगह रहेगी, ठीक है जी, हाइट इसकी 17 फुट है। हाँ ठीक है जी। इसमें लगभग अपने 2500 बैग आ गए जो मशरूम के, जो मशरूम के कंपोस्ट के ऊपर और नीचे आपने, ऊपर और नीचे 7 लेयर हैं, ये चार ठीक है, नीचे हैं 3 ऊपर हैं ये। तीन हाँ ऊपर हैं। तो जी ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे आपने लगभग टोटल खर्चा कितना आ गया होगा? ये स्ट्रक्चर पे आ गया जी अपना 3.25 लाख रुपए के तो लगभग अपने पैनल आए थे ये। हाँ अच्छा जो पैनल आए हैं अपने, हाँ, और 1 लाख रुपए का मटेरियल आया था, जस्ती पाइप लगा रखे हैं अपने, भी जर वगैरह ना लगे इस पे, अच्छा और इस पे लेबर लगी थी जी 1 लाख रुपए के करीब, अपनी लेबर लगी थी बनवाने। बाहर जो एसी का इंडोर है, ये आपका एसी है? हाँ ये इंडोर है एसी का, ये ठीक है जी। आउटडोर बाहर रखा है, अच्छा तो इसके इंडोर के बाहर वो है अपने खिड़की है, अच्छा जी, रात को खोल लेते हैं अंदर से बंद कर देते हैं जी, ठीक है तो फ्रेश एयर खींच लेंगे अपने आप ऑटोमेटिक एसी, ठीक है जी। तो अंदर पीछे क्रॉसिंग हो जाएगी, तीनों गलियों में खिड़की है इनमें बाहर एक की, जैसे हवा की वेंटिलेशन वास्ते, हाँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों गलियों के हिसाब से। तो ठीक है जी, ठीक आगे इसमें पॉलिथीन है, इसमें सुराख है लास्ट तक, तो है जी। अच्छा, इनके थ्रू अपनी एयर जानी रहे लास्ट तक, कूलिंग मेंटेन रहे इसमें। ये पोलोथीन जो आपने लगा रखी है ये इसलिए भाई सारा के सारे में हाँ कूलिंग है, वेंटिलेशन पूरा, कूलिंग पूरी रहेगी। ऊपर और नीचे पूरे में रहे। ठीक हाँ नीचे गली के अंदर नीचे तो चली जाएगी कूलिंग, चली जाएगी इसमें तो है इस तरह का। जी, ये स्टार्ट कर। ये एसी का हाँ सेंसर है टेम्परेचर के लिए जी, जी, इसके साथ टेम्परेचर पता लगता रहा, 12 मीटर में शो कर देगा इतना टेम्परेचर अपना, इस टाइम इतना घट गया इतना बढ़ेगा, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा, ये इस टाइम कितना चल रहा है? 17.1 है जैसे अभी। ठीक है जी, हाँ अब एसी शुरू होने वाला है, 1-2-4 सेकंड में एसी चल पड़ेगा अभी। ऑटोमेटिक मतलब 17 से हाँ जैसे 17.2 या 3 हो गया तो एसी चल पड़ेगा, हाँ और जितना कहाँ तक जाता है फिर ये एसी डाउन टेम्परेचर? ये डाउन इस टाइम 16 पे, 16 पे आके फिर दोबारा बंद हो जाएंगे, सोलह पे अच्छा, सेट है ये। ये इधर वाले मीटर क्या दिखा इधर रहे ये हैं? वोल्टेज शो कर रहा है, जिस टाइम एसी चलेंगे यहाँ पे लोड शो करेगा, ये चल ये पड़ेगा चल दोनों पड़े ऐसे। ठीक ही है जी, इसमें कोई समस्या नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस मशरूम फार्म में जैसे पूरी गर्मी सर्दी सब लेते हो, बिल्कुल जी। तो 12 के 12 महीने चलते 12 महीने हैं? चलतेगा जी, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अपना खुद मेंटेन करना है इसमें, ये तो है नहीं बाहर का मौसम के हिसाब से वो डिपेंड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह रापड़िया, रापड़िया फार्मिंग चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं कैथल जिले के कुलतारण गांव में, और यहां पर एक फार्मर है जिसने मशरूम की खेती की हुई है। मशरूम की खेती वैसे तो नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट होती है और मार्च या अप्रैल में वो खत्म हो जाती है, लेकिन इस किसान ने मशरूम की खेती गर्मियों में भी करते हैं, सर्दियों में भी करता है, दोनों समय में करता है। इस मशरूम की खेती से यह कितने पैसे कमाता है, उससे पहले हम इसकी दो वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में पता करेंगे कि यह मशरूम की खेती, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता करेंगे, जो आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है इनका बनाया हुआ पूरा का पूरा, और एक वीडियो में पता करेंगे कि यह मशरूम की जो खेती है उससे किस तरीके से यह कितनी लागत आती है और कितने यह पैसे कमाता है, दूसरी वीडियो इस चीज में। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसा इन्होंने बनाया हुआ। वैसे आप मशरूम की जो खेती देखते होंगे वह झोपड़ी नुमा एक झोपड़ी बनाकर उसके अंदर बनाई जा उसके अंदर मशरूम की खेती की जाती है, लेकिन इन्होंने एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखा है, इस स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे। पहले तो मिलते हैं अब उस किसान से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका ये जो मैंने इसके बारे में बताना, लेकिन उससे पहले आप एक बार मेरे दर्शकों को इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। राम राम सभी भाइयों को, मेरा नाम विकास डांडा भाई, गांव मेरा कुलतारण है, और अम्बाला रोड पे फार्म अपना ये क्वालिटी मशरूम फार्म, SCTM कॉलेज है इसके बिल्कुल सामने है। ठीक है जी, हाँ जी पहले आप अपना स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने बना रखा है और किस चीज से ये बना होता है? ये पफ पैनल का होता है स्ट्रक्चर अपना। अच्छा, हाँ तो ये अपन ने 26x52 का फार्म बना रखा है, जो 52 फुट एरिया की लंबाई, एरिया छब्बीस हाँ फुट अच्छा एरिया 26x52 का इसका, और पफ पैनल का फार्म बना रखा है, इसमें कूलिंग मेंटेन बढ़िया तरीका दे रहा है जो। अच्छा हाँ जी एक बार पफ जो पैनल होते हैं दोस्तों वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कौन से आप उनको पफ को दिखेंगे? पफ पैनल जो होते चौड़ाई है इसकी, 60 mm की, हाँ और छत पे भी वही छत है? पे भी सेम मटेरियल है ठीक सारा, है जी। ये आपने जैसे बना रखे ये क्या चीज है ये आपका? पैकिंग एरिया जी, ये पैकिंग एरिया कितने बाय कितने का है? मतलब ये 10x26 का, इस तरीके से ये 26 हो गई और हाँ इस तरीके से दस फुट 10 है, हो गई, तो आपका टोटल ये कितने की लंबाई कितने की थी? 26x52 है 52 की टोटल, थी, 52 में से इस 10 फुट का ये ले लिया ये भी आपने, आएगा अंदर 42 फुट का फार्म 42 है फुट ये। का हो रहा है।
अब दोस्तों अंदर चलते हैं, ये आपका पैकिंग का और रहने का जो स्टोर है उसके लिए। ठीक है अंदर चलिए अंदर। अब आ गए अंदर जी, इससे पहले अंदर आए हैं, सारा का सारा बताइए आपने कितने बाई कितने में ये जो रख रखे हैं आपने बांस वगैरह, ये बता दीजिए एक बार। ये फार्म के अंदर 42 फुट की जगह रहेगी। ठीक है जी। हाइट इसकी 17 फुट है। ठीक है जी। हाँ, इसमें लगभग अपने 2500 बैग आ गए जो मशरूम के मशरूम के ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे 7 लेयर हैं, 4 नीचे हैं, 3 ऊपर हैं, 3 ऊपर हैं। हाँ जी, तो प्रैक्टिकल भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि एक तो ये हो गई, दो तीन और चार तो मतलब ये है। अब इससे ऊपर यहाँ सीढ़ियों में ऊपर से ऊपर जाके फिर ऊपर का भी देख सकते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। जो ये आपका 52 फुट का 42 फुट का ऐसे कह रहे हो और 26 फुट का ऐसे, तो बीच वाले में तो आपने ये चार चार बैग रख रखे हैं। हाँ। साइडों में इसकी चौड़ाई अपनी 5 फुट है। अच्छा। उसकी चौड़ाई 2.5 फुट है। ठीक है जी। और रास्ता कितना छोड़ देंगे? 3 फुट का रास्ता रहेगा बीच यहाँ को। हाँ जी। तो टोटल ये कितने हो गए अपने इस लाइन में, जैसे ये जो रखने के ये जो रखने के लिए आपने 500 पे रख रखे हैं, जो चार लाइनें होगी, चार लाइनें होगी, दो 5-5 फुट की होगी, बीच में दो साइड में 2.5-2.5 फुट की होगी। ठीक है। तो इस पे आपने आगे चार बैग उसमें दो आ जाएंगे, दो बैग। हाँ जी, इसमें दोनों साइड से काम हो जाएगा ना, हाथ लग जाए इधर तक, हाथ चले जाओगे इस साइड से भी चले जाओगे, दोनों साइड से चले जाएगा, उनमें एक साइड से, उसमें एक साइड से हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे आपने लगभग टोटल खर्चा कितना आ गया होगा? ये स्ट्रक्चर पे आ गया जी अपना 3.25 लाख रुपए के तो लगभग अपने पैनल आए थे ये। अच्छा। हाँ, जो पैनल आए हैं अपने। हाँ। और 1 लाख रुपए का मटेरियल आया था, जस्ती पाइप लगा रखे हैं अपने, जर वगैरह ना लगे इस पे। अच्छा। और इस पे लेबर लगी थी जी 1 लाख रुपए के करीब, अपनी लेबर लगी थी बनवाने पे, जो सारा आप ये बना गए। हाँ। ये इस फरस और नीचे वाले फरस नीव से अलग है ये। अच्छा, फरस इसमें देना पड़ेगा? और पक्का साफ सुथरा सफाई वास्ते रहेगा जी, क्योंकि मशरूम साफ सफाई में जितनी साफ सफाई होगी उतनी बढ़िया प्रोडक्शन देगी। ठीक है। तो ये और चीजें जो एसी वगैरह कितने के आ गए होंगे? ये एसी 1.5 लाख के करीब के एसी आ गए थे, सेकंड हैंड ले रखा मैंने सारा मटेरियल। अच्छा। हाँ। कौन सी कंपनी के हैं ये? डेक्कन के। डेक्कन के हैं। तो 26 का कह रहे हैं, इसके लिए दो एसी कामयाब है? दो एसी कामयाब है जी। ठीक है। तो जैसे अपने फर्श बनवा रखा नीचे जो, हाँ, मशरूम के फार्म में, तो मशरूम के ऊपर वाली लाइन है इसकी कटिंग करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए ऊपर वाले बैगों में, तो ये बेंच बनवा रखे अपने, टायर लगवा रखे इनके। तो इनमें थोड़ी आसानी रहा अभी आगे सरकाने में और इधर उधर खींचने में, तो इनके ऊपर चढ़ के ऐसे आराम से काम हो जाए, जो भी काम करना अपन ऊपर वाली लाइन में। ठीक है। तो उसके लिए अपन ये बेंच बनवा रखे हैं, लगभग 6-6 फुट लंबे हैं, और आगे सरकाने तो बिल्कुल आसानी रहेगी। तो ऊपर के खड़े होके खींचते ही नीचे से भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर लो अपने हिसाब से। तो ये आपने जुगाड़ बना रखे हैं? हां, जुगाड़ टाइप बना रखे हैं इस फार्म के अंदर। हां जी। ठीक है जी। खिड़की लगा रखी है, वो किस चीज के लिए? फ्रेश एयर के लिए, रात को फ्रेश एयर देनी जरूरी है मशरूम को। अच्छा। बिना फ्रेश एयर के ग्रो नहीं करती। तो फिर ये किस तरीके से दे रखी है, कहाँ से एयर आएगी? बाहर जो एसी का इंडोर है, ये आपका एसी है? हाँ, ये इंडोर एसी का, ये ठीक है, आउटडोर बाहर रखा है। अच्छा। तो इसके इंडोर के बाहर वो अपने खिड़की है। अच्छा जी। रात को खोल देते हैं, अंदर से बंद कर देते हैं जी। ठीक है। तो फ्रेश एयर खींच लेंगे अपने आप ऑटोमेटिक एसी। ठीक है जी। तो अंदर पीछे क्रॉसिंग हो जाएगी, तीनों गलियों में खिड़की है इनमें। एक बार वो कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार खिड़की जरूर दिखाए, वो जो है जैसे वहां से तो आपका आ गया वो। हाँ जी। और वो जो सामने है, वो सामने खिड़की है इसमें। अच्छा। हाँ जी, ये वाली खिड़कियां जो है दोस्तों, ये देख भी सकते हो जैसे कैमरे में आप, ये खिड़कियां इस तरीके से खोल सकते हो आप। हाँ। ये कितनी देर लग खोलनी होती है? ये कम से कम 10 घंटे फ्रेश एयर देनी जरूरी है इसको। रात को देते हो? रात को जी, दिन में तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा फिर कामयाब नहीं होने की। अच्छा। रात में बाहर भी थोड़ी ठंड होगी, ठंडा मौसम होगा। हाँ हाँ। तो फ्रेश एयर रात को चलती है जी। ठीक है। अब ऊपर जो आपने एसी लगा रखे वो भी चीज दिखाओ हमें, एसी किस तरीके से काम करता है। एसी की डक्ट बनवा रखी है जैसे हवा की वेंटिलेशन वास्ते। हाँ हाँ। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके तीनों गलियों के हिसाब से। ठीक है जी। तो आगे इसमें पॉलिथीन है, इसमें सुराख है लास्ट तक। ठीक है जी। तो इनके थ्रू अपनी एयर जाती रहे लास्ट तक, कूलिंग मेंटेन रहे इसमें। अच्छा, ये पॉलिथीन जो आपने लगा रखी है ये इसलिए भाई सारा के सारे में कूलिंग। हाँ, वेंटिलेशन पूरा, कूलिंग पूरी रहेगी ऊपर और नीचे पूरे में रहे। हाँ, नीचे गली के अंदर नीचे तो चली जाएगी कूलिंग, चली जाएगी इसमें। ठीक है जी। तो इस वजह से ये लगा रखे हैं। और इसमें सुराख भी कर रखे हैं ये? सुराख। हाँ, सुराख है लास्ट तक। अच्छा, तो सभी में इसीलिए सुराख है, उनमें को कूलिंग आती रहेगी। कूलिंग आती रहेगी।
और कुछ भी स्ट्रक्चर ये तो जैसे जुगाड़ू काम हो गया कोई छोर भी लगभग सारे मशरूम फार्म ऐसे मिलेगा ऐसे ही मिलता है। हाँ, यही मिलेगा। किस तरीके से आपका ये जो है एसी किस तरीके से काम करता है वो जरूर बताइए। दिन में तो ऐसे चलता रहता रूटीन में, जैसे अपना घर में ऐसे चलते रहेंगे तो रात ना जिस टाइम अपना फ्रेश एयर देनी पड़ा है तो इसका ढक्कन है डक्ट के ये अंदर से बंद कर देते हैं और ऐसा ढक्कन बाहर है वो बाहर वाला पर खोल देते हैं। ठीक है, तो बाहर की फ्रेश एयर आएगी इंडोर के थ्रू और वो चलती रहेगी पीछे खिड़कियों के थ्रू निकल जाएगी वो। मतलब ये रात को आपको डेली काम करना, हाँ, ये डेली करना ही पड़ेगा जी। ठीक है, इसके बिना मशरूम ग्रोथ नहीं करती। अच्छा, जो ये एसी है एसी ऑटोमेटिक चलते हैं या आपको चलाना? ऑटोमेटिक, इनमें सेंसर लग रहा है जी अंदर, जिस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा एसी ऑटोमेटिक चल पड़ेगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक कट कर देगा। एक बार वो सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है? वो सेंसर नीचे लगा हुआ जी, ये एसी का सेंसर है टेम्परेचर के लिए। हाँ जी, इसके साथ टेम्परेचर पता लगता रहा, 12 मीटर में शो कर देगा इतना टेम्परेचर अपना, इस टाइम इतना घट गया इतना बढ़ेगा। ठीक है, ये वो ये तो हो गया आपका सेंसर और इस टाइम मीटर और देख लेते हैं इसके अंदर। हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर शो करेगा, ये इस टाइम कितना चल रहा है? 17.1 है जैसे अभी। ठीक है जी। हाँ, अब एसी शुरू होने वाला है, 2-4 सेकंड में एसी चल पड़ेगा अभी ऑटोमेटिक। मतलब 17 से जैसे 17.2 या 3 हो गया तो एसी चल पड़ेगा। हाँ, और जितना कहाँ तक जाता है फिर ये सिट डाउन? सिट डाउन इस टाइम 16 पे आके फिर दोबारा बंद हो जाएंगे। अच्छा, 16 पे सेट है ये। इधर वाले मीटर क्या दिखा? इधर ये वोल्टेज शो कर रहा है, आज इस टाइम ऐसे चलेंगे यहाँ पे लोड शो करेगा ये चल पड़ेगा ऐसे। हाँ, इस टाइम ये मतलब आपका 16 एम्पीयर ले रहे। एक स्टार्ट हो गया, दूसरा अभी 2-3 सेकंड ठहर के स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया दूसरा भी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये अभी जो एसी चले थे ये आपने चलाए तो नहीं है? नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिक ही चले हैं। अच्छा। हाँ, अंदर से टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे शॉक हो गया भाई इतना टेम्परेचर हो गया, ये तो ऑटोमेटिक एसी चल पड़े। मतलब चलाने की जरूरत नहीं, अपन इसकी छेड़ने की जरूरत नहीं, एक बार सेट कर दो तो अपने आप चलते रहेंगे, अपने आप बंद होते रहेंगे। मतलब जो किसी को लगाना तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही काम? ऑटोमेटिक ही है जी, इसमें कोई समस्या या दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस मशरूम फार्म में जैसे पूरी गर्मी सर्दी सब लेते हो? बिल्कुल जी। तो 12 के 12 महीने चलते 12 महीने चलतेगा जी, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अपने खुद मेंटेन करना है इसमें, ये तो है नहीं बाहर का मौसम के हिसाब से वो डिपेंड नहीं है। ये पफ पैनल है वो। अच्छा, ये होते हैं पफ पैनल जो लगे हैं अपने फार्म में। अच्छा, ये ऐसे होते हैं 60 mm का चौड़ा ये और इस चीज का बना हुआ फार्म। क्या कुछ रेट आ जाता है पफ पैनल? ये अपने आए थे 72 रुपए किलो। अच्छा, मतलब नए का रेट था या सेकंड हैंड? नहीं, सेकंड हैंड का रेट है। अच्छा, तो आप तो सेकंड हैंड लेते हैं? सेकंड हैंड माल यूज करते हैं अपन, सारा का। तो इसीलिए नए पे और पुराने पे आपको कुछ ना कुछ बचत हुई है? बचत रहती है इसमें। कितना परसेंट कुछ आईडिया? आप ये लगाओ कम से कम 30-40% की बचत रहेगी इसमें। आपके एरिया में मिस्त्री अवेलेबल हो जाते हैं पंप पैनल को लगाने? बिल्कुल जी। कौन कौन से मिस्त्री होते होंगे जो आमतौर पे कहीं पे भी मिल जाएंगे? ये फार्म बनाने वाले आते हैं कहीं से भी, साइड बहुत मिस्त्री है यहाँ पे। अच्छा, जो आपके नजदीक है यहाँ पे? हाँ जी। कोई यही वीडियो कहीं बाहर देख रहा हो तो उसके आसपास देखना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा जी, जहाँ से पैनल लेते हैं वो भी देते हैं मिस्त्री, तो कोई समस्या नहीं है, उनके पास भी होते हैं बनाने वाले। क्या कुछ कॉस्ट लेते हैं वो? वो स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, 18-20 रुपए स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है इस टाइम जो। हाँ जी। तो एक जैसे सेट बनाना हो तो उसकी कितनी की ऊंचाई होनी चाहिए लगभग आपको? जैसे इतनी सारी इसकी हाइट 16-17 फीट तो कम से कम चाहिए। 17 या 18 के बीच में? 16-17 फीट भी चल जाएगी। हाँ जी। तो ऊपर नीचे आपका सारा हाँ, जो 2500 बैग के लिए 2500-2600-2700 बैग तक भी आ जाए कोई समस्या। इससे लंबा यदि फार्म बनाना तो फिर कूलिंग थोड़ी मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी, एसी या तीसरा एसी लगाना पड़ेगा एक और। अच्छा अच्छा, तो इससे लंबा तो फिर एसी बढ़ाना पड़ेगा या फिर प्रॉपर कूलिंग मेंटेन होने की उसमें। तो इससे अच्छा है कि दो साइड मतलब इतने लंबे दो लगा, दो फार्म लगा लो वो बढ़िया रहेगा वो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद इसके लिए। ओके जी। तो दोस्तों, यह थी वीडियो जो मशरूम का फार्म बनाना होता है उसका जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 12 लाख रुपए में तैयार हुआ है, जिसमें 2 लाख रुपए का इसका बिजली का कनेक्शन जो 3 फेज का लिया उस पर खर्चा हुआ है। इसी के साथ यदि एक और फार्म इसमें बनाना है तो उस पर जहाँ तक मेरा आइडिया है उसमें 9 लाख रुपये लगे, क्योंकि इसमें एक साइड यही इसकी दीवार जुड़ जाएगी और कनेक्शन जो 12 लाख रुपए में 2 लाख उसको निकाल लेते, यदि ये 10 में पड़ा तो वो 8 या 9 लाख रुपए में और पड़ेगा। तो यह पूरी की पूरी वीडियो स्ट्रक्चर पर थी जो मशरूम का फार्म है। इसका एक और पार्ट बनाऊंगा मैं, जिसमें जो ये किसान भाई है विकास डांडा जी, इनसे पता करूंगा कि इस फार्म से एक साल में कितनी
आमदनी लेते हैं और एक बैच कितने दिनों में तैयार हो जाता है और उस बैच से कितनी आमदनी अलग से लेते हैं। पूरी पूरी वीडियो थी स्ट्रक्चर के ऊपर। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और जो दोस्त नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।